बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है हीट वेव। पाकिस्तान में हीट वेव एक बड़ा खतरा बन चुका। सबसे पहले जानते हैं कि हीट वेव क्या होता है। जब किसी इलाके, शहर या मुल्क में मौसमियाती तब्दीली के बायस औसत या उमूमी दर्जा हरारत के मुकाबले कहीं ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाए तो मौसम की इस कैफियत को गर्मी की शदीद लहर का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान में गर्मी और तपिश का मौसम उरूज पर है। बलाई शुमाली इलाकाजात के अलावा पूरा मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में है। सूरज आग बरसा रहा है। हैदराबाद सिंध में गर्मी की शिद्दत से कई अफराद के जा बहक होने की इत्तलाआत हैं। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के कई शहरों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची भी हीट वेव के शदीद असरात की लपेट में है। पाकिस्तान में गर्म मौसम की शिद्दत कई माह तक जारी रहेगी। जून, जुलाई और अगस्त तक शदीद गर्मी, हब्स और शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा, फिर मूसलाधार बारिश हो और हब्स शुरू हो जाएगा। इधर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान में बारिशों के सिस्टम में वाजिब तब्दीली देखी जा सकती है। यानी कम वक्त में शदीद और तेज बारिशें या बेमौसमी बारिशें, इस तरह मौसमी सरमा का सुकड़ जाना जबकि मौसमी गर्मा तवील होता जा रहा है। शदीद गर्मी की ये लहर एक दिन से लेकर कई रोज और हफ्तों तक जारी रह सकती है। सबसे अहम वजह पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों की बढ़ती आबादी बेहंग तामीरात हैं। मौसमी और माहौलियाती तब्दीली की एक और अहम वजह इन दिन का बढ़ता हुआ इस्तेमाल भी है। शहरों में ट्रैफिक की वजह से कार्बन का इखराज बढ़ रहा है, जबकि दरख्त और हरियाली कम हो रही है। सनअती जोन में फैक्ट्री से उठने वाला धुआं भी एक बड़ा मसला है। तरक्की ने जहाँ जिंदगी को आसान बनाया है, वहाँ कई तरह के मसाइल भी पैदा किए।